हेलो फ्रेंड्स, फेस्टिवल ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं सुलेखा। पिछले वीडियो में हमने आपको ये वेल बनाना बताया था, अब हमें इसके आगे बनाना है। चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे हमने दो लाइन बिल्कुल ग्रीन कलर से बनाया था। फिर हमें यहाँ पे तीन चैन लेके इसे टर्न लेना है। ये हमने यहाँ पे तीन चैन बनाया है, तीन चैन लेके हमने टर्न लिया। टर्न लेने के बाद हमें यहाँ पे पांच डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर हमने पांच डबल क्रोशिया बनाया है। अब हमें यहाँ पे दूसरा कलर ऐड करना है। यहाँ हमने दूसरा कलर ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद हमें यहाँ पे 15 बनाना है डबल क्रोशिया ब्लू कलर से 15 बार। ये देखिए, ये हमने 15 डबल क्रोशिया बनाया ब्लू कलर से। अब हमें यहाँ पे ग्रीन कलर लेना है, ब्लू को हमें छोड़ना है, अब ग्रीन लेना है। ग्रीन लेकर हमें यहाँ पर भी हमें पांच डबल क्रोशिया बनाना है ग्रीन कलर से। यहाँ हमने ग्रीन कलर से बनाया। फिर हमें तीन चैन लेना है, तीन चैन लेके फिर हमें टर्न लेना है। टर्न लेने के बाद फिर हमें यहाँ पे पांच ग्रीन बनाना है। ये देखिए, हमने तीन चैन लेके टर्न लिया। टर्न करने के बाद फिर हमने यहाँ पांच ग्रीन बनाया है। अब हमें ग्रीन को छोड़ना है, अब हमें यहाँ पे ब्लू लेना है। ब्लू का हमें यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया बनाना है, ग्रीन को हमें साथ लेके चलना है। एक, दो, तीन, यहाँ हमने ब्लू का तीन बनाना है। ब्लू का हमने तीन बना लिया। अब हमें ब्लू छोड़ना है, हमें अब ग्रीन लेना है। ब्लू को हमें साथ लेकर चलना है। अब हमें यहाँ से ग्रीन कलर का बनाना है। हमें यहाँ पे 9 ग्रीन बनाना है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, ये हमारा 9। यहाँ पर हमने 9 ग्रीन बनाया। अब हमें ग्रीन को छोड़ना है, हमें अब ब्लू लेना है। ग्रीन से हमें टाइट करना है, ग्रीन को हमें साथ लेकर चलना है। यहाँ पर हमें तीन ब्लू बनाना है। एक, दो, तीन, हमारे यहाँ पे तीन ब्लू बन गया। अब हमें यहाँ पे ब्लू छोड़ना है, अब हमें ग्रीन लेना है। अब हमें यहाँ पे पांच ग्रीन बनाना है। ये जो हमारा पांच ग्रीन है, यहाँ पर हमें पांच ग्रीन बनाना है। ये हमने यहाँ पर पांच ग्रीन बनाया। फिर तीन चैन लेके फिर हमने टर्न लिया। टर्न लेने के बाद फिर हमें यहाँ पे पांच ग्रीन बनाना है। ये हमने पांच ग्रीन बनाया। फिर हमें ब्लू लिया, ब्लू लेकर हमें यहाँ पर हमें चार ब्लू बनाना है। पिछली बार हमने तीन बनाया था, इस बार हमें चार ब्लू बनाना है। दो, तीन, चार, पिछली बार हमने ये तीन ब्लू बनाया था, ये देखिए इस बार हमने चार बनाया है। अब हमें यहाँ पे ब्लू छोड़ना है, ग्रीन लेना है। पिछली बार हमने यहाँ पे 9 बनाया था ग्रीन, जिसमें हमें 2 घटाना है। हमें यहाँ पर अब 7 ग्रीन बनाना है। एक, दो, तीन, चार, ये हमने यहाँ पे 7 ग्रीन बनाया। अब हमें यहाँ पे 4 ग्रीन बनाना है। एक ग्रीन में हमें लेना है, देखिए हमें यहाँ पे ब्लू बनाना है, ग्रीन हमें साथ लेकर चलना है। एक, दो,
ये हमारा चार, यहाँ पे हमने चार ब्लू बनाया। अब हमारा यहाँ पे जो पांच ग्रीन है, अब हम यहाँ पर पांच ग्रीन बनाना है, फिर तीन चैन लेकर फिर हमें टर्न लेना है, टर्न लेने के बाद फिर हमें यहाँ पे पांच ग्रीन बनाना है। ये देखिए हमने पांच ग्रीन बनाया, फिर तीन चैन लिया, तीन चैन लेकर फिर हमने टर्न लिया, टर्न लेने के बाद हमारी ये जो लाइन है ये हमें पूरी लाइन ग्रीन से बनानी है, पूरी लाइन हमें ग्रीन से बनानी है। ये ब्लू धागे को हम साथ लेकर चलेंगे, हमारा जो यहाँ पर ब्लू है इस धागे को भी हम साथ लेकर चलेंगे, जहाँ तक हमारा ब्लू है वहाँ तक। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा सी लेटर कंप्लीट हो चुका है, अब हमें ओ स्टार्ट करना है। हमने तीन चैन लिया, तीन चैन लेकर फिर हमने इसे टर्न किया, टर्न करने के बाद फिर हमें यहाँ पे पांच ग्रीन बनाना है। ये हमने पांच ग्रीन बना लिया है, अब हमें यहाँ पे ब्लू से 15 डबल क्रोशिया बनाना है, ग्रीन को हमें साथ लेकर चलना है, ग्रीन धागे को। ये हमने 15 ब्लू कलर से बनाया है, फिर हमने ये ग्रीन लगाया, फिर हमारे यहाँ जो पांच ग्रीन है यहाँ पर हमें पांच ग्रीन बनाना है। यहाँ पर हमने पांच ग्रीन बनाया, फिर तीन चैन लिया, टर्न लिया, टर्न लेने के बाद फिर हमें यहाँ पे पांच ग्रीन बना, ये हमने टर्न लेकर फिर हमने ये ग्रीन बनाया पांच, फिर हमने ये ब्लू लिया है, यहाँ पर हमें तीन ब्लू बनाना है, एक दो तीन, ये हमने तीन ब्लू बनाया, फिर हमें ब्लू को छोड़ना है, फिर हमें ग्रीन लेना है, फिर हमें यहाँ पे नौ ग्रीन बनाना है, ब्लू को हमें साथ लेकर चलना है, यहाँ पर हमें अब नौ ग्रीन बनाना है। ये हमने नौ ग्रीन बनाया, फिर हमने ब्लू लिया है, यहाँ पर हमें तीन ब्लू बनाना है, एक दो, ये हमने यहाँ पे तीन ब्लू बनाया, हमें ब्लू को छोड़ना है, फिर हमें यहाँ ग्रीन लेना है, ग्रीन लेकर फिर हमने यहाँ पे जो पांच ग्रीन बनाया है पांच ग्रीन बनाना है, तीन चैन लेकर फिर हमें टर्न लेना है, फिर टर्न लेने के बाद फिर हमें यहाँ पे पांच ग्रीन बनाना है। ये हमने यहाँ पे टर्न लेकर फिर हमने यहाँ पांच ग्रीन बनाया है, फिर हमें यहाँ पे फिर हमने दूसरा कलर लिया, दूसरा कलर लेके फिर हमें यहाँ पे तीन ब्लू बनाना है, जिस तरह हमने पिछली लाइन में किया था उसी तरह हमें इस लाइन में भी करना है। तीन ब्लू बनाना है, फिर नौ ग्रीन बनाना है, फिर तीन ब्लू बनाना है और फिर पांच ग्रीन बनाना है हमें, जिस तरह हमने पिछली लाइन में किया था। ये देखिए फ्रेंड्स इसी तरह हमें इस लाइन में भी रिपीट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी ये लाइन कंप्लीट हो चुकी है, अब हमें यहाँ पे फिर तीन चैन लेकर टर्न लेना है, टर्न लेने के बाद फिर हमें यहाँ पे पांच ग्रीन बनाना है, यहाँ पे हमने टर्न लेकर पांच ग्रीन बनाया है, अब हमें यहाँ पे 15 ब्लू बनाना है, ग्रीन को हमें साथ लेकर चलना है। ये देखिए यहाँ पे हमें 15 ब्लू बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 15 डबल क्रोशिया ब्लू कलर का बना लिया है, फिर हमने यहाँ पर ग्रीन लिया, ग्रीन लेकर अब हमें यहाँ पे पांच ग्रीन कलर का बनाना है। ये हमने पांच ग्रीन कलर का बना लिया, फिर हमने तीन चैन लिया, तीन चैन लेकर हमने टर्न लिया, टर्न करने के बाद फिर हमें यहाँ पे पांच ग्रीन कलर का डबल क्रोशिया बनाना। अब हमें ये जो लाइन है यहाँ पे हमें पूरी लाइन ग्रीन कलर से बनानी है फ्रेंड्स, हमने टर्न लिया, टर्न करने के बाद हमें यहाँ पर ये जो पूरी लाइन है हमारी, ये पूरी लाइन हमें ग्रीन कलर से बनानी है। इस लाइन में हमें जो ग्रीन कलर की पूरी लाइन हमें बनानी है, ये हमें ब्लू कलर का जो धागा है हमें यहाँ ब्लू कलर तक हमें इस धागे को हमें साथ लेकर चलना है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा ये लाइन ग्रीन कलर का कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा ओ लेटर भी बनकर तैयार हो चुका है। फिर हमने यहाँ पे तीन चैन लिया, तीन चैन लेकर हमें टर्न लेना है, टर्न लेने के बाद हमें फिर हमें यहाँ पे पांच ग्रीन कलर का बनाना है। हमने यहाँ पे पांच ग्रीन कलर का बना लिया है, अब हमें यहाँ पे ब्लू लेना है, फिर हमें यहाँ पे अब हमें 15 ब्लू कलर का डबल क्रोशिया हमें यहाँ पे बनाना है। ये हमारा एम लेटर
शुरू हो रहा है। यहाँ पे हमें 15 ब्लू ब्लू बनाना है। ये हमने यहाँ पे 15 ब्लू कलर का बना लिया है। फिर हमने यहाँ पर ग्रीन लिया, ग्रीन लेकर फिर हमें यहाँ पे 5 ग्रीन कलर का बनाना है डबल क्रोशिया। फिर हमें 5 चैन लेके फिर टर्न लेना है। टर्न लेने के बाद फिर हमें यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमने टर्न लेकर हमने फिर 5 ग्रीन बनाया है। अब हमारे यहाँ जो 15 ब्लू है यहाँ पे हमें अब 11 ग्रीन बनाना है। अब ब्लू धागे को हमें साथ लेकर चलना है। यहाँ पर हमें 11 ग्रीन बनाना है। अब ब्लू धागे को हमें साथ लेकर चलना है। ये हमने यहाँ पे 11 ग्रीन कलर का बनाया जो हमारे यहाँ नीचे ब्लू था उसके ऊपर। फिर हमारा यहाँ पे 4, फिर हमने दूसरा कलर लिया, फिर हमें यहाँ पे 4 ब्लू कलर का बनाना है। 1 2 ग्रीन कलर को हमें साथ लेकर चलना है। 3 ये हमारा 4, फिर हमें यहाँ पे ब्लू कलर को छोड़ना है। फिर हमें यहाँ पे ग्रीन कलर को लेना है। उसके बाद फिर हमारे यहाँ जो ग्रीन है 5, यहाँ पर हमें 5 ग्रीन बनाना है। यहाँ हमने 5 ग्रीन बनाया। फिर हमें 3 चैन लेना है। चैन लेकर फिर हमने टर्न लिया। टर्न लेकर फिर हमें यहाँ पे 5 ग्रीन बनाना है। ये हमने यहाँ पे 5 ग्रीन बनाया। फिर हमने ये ब्लू कलर का लिया धागा। अब हमें यहाँ पे ब्लू कलर का बनाना है। यहाँ पे हमने 4 बनाया था, यहाँ पे हमें 4 बनाना है। 1 2 3 4, यहाँ पे हमने 4 बनाया। अब हमारे यहाँ जो ग्रीन है अभी ग्रीन पे भी हमें 3 बनाना है, यानी हमें यहाँ पे 7 ब्लू बनाना है। 4 5 6 ये 7, हमने यहाँ पे 7 ब्लू बनाया है। अब हमें यहाँ पे ब्लू छोड़ के हमें अब ग्रीन लेना है। हमें यहाँ पे जो पूरी लाइन है ये हमें यहाँ पे पूरी ग्रीन बनानी है। ये हमने पूरी लाइन ग्रीन बना ली है। फिर हमने 3 चैन लिया, फिर हमने टर्न लिया। टर्न लेने के बाद जो हमारे यहाँ तक ग्रीन है यहाँ तक हमें पूरा ग्रीन बनाना है। ये हमने ग्रीन बना लिया है। उसके बाद फिर हमारे जो यहाँ पे 7 ब्लू था यहाँ पे हमें फिर यहाँ पे 3 ग्रीन बनाना है। 1 अब ब्लू धागे को हमें साथ लेकर चलना है। ये हमने यहाँ पे 3 ग्रीन बना लिया है। फिर हमें यहाँ पे ब्लू लेना है। फिर हमें यहाँ पे 4 ब्लू कलर का बनाना है डबल क्रोशिया। पिछली बार हमने यहाँ पे 7 बनाया था, फिर हमने यहाँ पे 7 में फिर हमने 3 ग्रीन बनाया। फिर हमें यहाँ पे 4 ब्लू बनाना है। 2 3 4, यहाँ पे हमने 4, ये हमने यहाँ पे 4 ब्लू बना लिया है। फिर हमें ब्लू छोड़ना है। फिर हमें यहाँ पे ग्रीन लेना है। ग्रीन लेने के बाद हमारे यहाँ जो 5 ग्रीन है यहाँ पे हमें 5 ग्रीन बनाना है। हमने यहाँ पे 5 ग्रीन बना लिया। फिर हमने यहाँ पे 3 चैन लिया। 3 चैन लेकर फिर हमें टर्न लेना है। टर्न लेने के बाद फिर हमें यहाँ पे 5 ग्रीन बनानी है। ये हमने टर्न लेकर 5 ग्रीन बनाया है। अब हमें यहाँ पे 15 ब्लू कलर का डबल क्रोशिया हमें बनाना है। 1 2 3 4, ग्रीन धागे को हमें साथ लेकर चलना है और हमें यहाँ पे 15 ब्लू कलर का हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमने 15 ब्लू कलर बना लिया है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे ब्लू धागे को छोड़ दिया, फिर ग्रीन हमने लिया। हमें यहाँ पे 5 ग्रीन बनाना है। फिर ये हमने 5 ग्रीन बना लिया। फिर हमने 3 चैन लिया। चैन लेने के बाद फिर हमने टर्न लिया। टर्न लेने के बाद हमें ये पूरी लाइन ग्रीन कलर से हमें बनानी है। और ये फ्रेंड्स हमें ब्लू धागे साथ लेकर चलने हैं क्योंकि इसके बाद फिर हमारा ई लेटर शुरू होगा, इसलिए हमें ब्लू धागे साथ लेकर चलने हैं जहाँ तक हमारा ब्लू कलर है वहाँ तक। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा ये एम लेटर कंप्लीट हो चुका है। ये हमने पूरी लाइन ग्रीन बना ली है। इसके बाद फिर हमारा ई लेटर शुरू होगा। ये देखिए फ्रेंड्स इसके बाद फिर हमें ई बनाना है। जिस तरह हमने पिछली बार ई बताया था वेल में उसी तरह हमें यहाँ पर भी ई बनाना है। उसके बाद फिर हमें इस तरह का गैप देना है। गैप देने के बाद हमें स्वस्तिक बनाना है।
और स्वस्तिक बनाने के बाद फिर हमें यहाँ पर गैप देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल इस तरह ये बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स, जो देखने पर बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये हमारा आगे का पोर्शन है, पीछे भी हमारा देख लीजिए, पीछे भी हमारा धागा बिल्कुल दिखेगा नहीं ज़्यादा। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह हमें ये वेलकम बॉर्डर पट्टी कंप्लीट करनी है। इसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ, जब हमारा वेलकम बॉर्डर पट्टी बनकर तैयार हो जाएगा उसके बाद फिर हमें ये ग्रीन कलर से, क्रीम कलर से हमारा जो बॉर्डर पट्टी का किनारा होगा वहाँ पर हमें यहाँ पे से ग्रीन को इस तरह नोट लगाना है। फिर हमें यहाँ पे तीन चेन बनाना है। तीन चेन बनाने के बाद बिल्कुल कॉर्नर, जब ये हमारा बॉर्डर पट्टी कंप्लीट हो जाएगा फिर हमारा ये कॉर्नर में ये डिजाइन हमारा सिर्फ तीन साइड बनेगा, दो साइड में और एक ये हमारे दो साइड में हमारा ये बनेगा डिजाइन। जब हमारा पट्टी कंप्लीट हो जाएगी फ्रेंड्स, कंप्लीट होने के बाद फिर इस कॉर्नर से फिर हमें यहाँ पे तीन चेन लेना है। तीन चेन लेने के बाद फिर हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है चार टाइम, दो तीन ये चार, हमने यहाँ पे चार डबल क्रोशिया बनाया है। उसके बाद हमें यहाँ पे तीन चेन लेना है, एक दो तीन, फिर हमें तीन चेन लिया, फिर हमें यहाँ पर एक दो तीन, तीन का गैप छोड़ के हमें यहाँ पे दो का गैप छोड़ना है, एक दो, फिर हमें यहाँ पे तीसरे पे फिर हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है चार टाइम, एक दो तीन ये चार, फिर हमें यहाँ पे तीन चेन लेना है, एक दो तीन, फिर हमें यहाँ पे दो का गैप छोड़ना है, एक दो, फिर हमें यहाँ पे तीसरे में फिर हमें यहाँ पे चार डबल क्रोशिया बनाना है। अगर आप चाहें फ्रेंड्स तो यहाँ पर आप तीन चार गैप भी छोड़ सकते हैं, आप जैसा चाहें आप उतनी गैप छोड़ सकते हैं। तीन ये चार, हमने चार बनाया, फिर हमने यहाँ पर एक दो तीन चेन लिया, फिर हमने यहाँ पर एक दो तीन, तीन गैप छोड़ के हमने चौथे में फिर हमने यहाँ पर चार डबल क्रोशिया बनाना है, फिर हमें तीन चेन लेना है, फिर हमें तीन से चार का गैप छोड़ना है। इस तरह करके हमारा ये जो बॉर्डर है, इस तरह हमारा ये बॉर्डर पूरी पट्टी में बनेगी। हमारी ये पट्टी में सिर्फ तीन साइड, ये हमारी जो क्रीम कलर का बन रहा है फ्रेंड्स, ये सिर्फ तीन साइड बनेगा। नीचे जो हमारा तोरण लगेगा उस साइड हमें ये नहीं बनानी है, हमें सिर्फ ये तीन साइड बनाना है। उसके बाद फिर बनने के बाद ये बिल्कुल ऐसा दिखेगा फ्रेंड्स। ये देखिए बनके, ये हमने देखिए सिर्फ तीन साइड बनाया है, जहाँ पर हमारा तोरण बनेगा वहाँ पे हमने इसे नहीं बनाया है। अगर आप चाहें फ्रेंड तो जैसे हमने 25 घर का बनाया है, आप इसे 20 घर का भी बना सकते हैं, 19 घर का भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। ये याद रखिएगा फ्रेंड, जो हमारा लेटर है वो हमारा लेटर 15 डबल क्रोशिया से ही बनेगा। उसके साइड में फिर आप जितना रखना चाहते हैं साइड साइड में आप रख सकते हैं। जैसे ये 15 डबल क्रोशिया से हमारा ये लेटर शुरू हुआ है, तो इसके किनारे में आप चाहें तो दो भी रख सकते हैं, दो दो या तीन तीन, आप जितना चाहें आप उतना इसके साइड में रख सकते हैं। लेकिन जो हमारा लेटर शुरू होगा फ्रेंड्स वो हमारे 15 डबल क्रोशिया से ही शुरू होगा, और साइड में आप दो दो या तीन तीन गैप रख सकते हैं। बॉर्डर पट्टी बनाने के बाद इसमें आप कोई सा भी तोरण बना सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, न्यू व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और घंटा घड़ी पर क्लिक जरूर करें कि हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।